स्वागत है आपके मेरे न्यू ब्लॉग पर। तो आज का ब्लॉग शूट हो रहा है खरखरा बांध पर। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं खरखरा बांध। ये रहा खरखरा बांध, बहुत बड़ा है उस साइड। और अभी इस बात है कि अभी कोहरा आ चुका है उस साइड, पूरा कोहरा से पूरा ढका हुआ है। वो रहा पहाड़ी और ये वो रहा, और वहाँ पर भी है। और उस साइड बोर्ड वगैरह के लिए नाव उसके लिए है। तो ये देखो खरखरा बांध इस साइड का, ये देख लो, ये यहाँ से नीचे इस साइड। तो ये है नीचे का साइड का, इस साइड से और पानी आता है अंदर की ओर। और पूरा पहाड़ है, पूरा आसपास का एरिया। इस साइड से आए हैं, इस साइड से वहां से घूमता हुआ, और वो देख रहे हैं वो वहां से आते हैं ऊपर। तो उस साइड भी है, वहां से एक रास्ता है, बट वहां से आने नहीं देता। उस जगह पर एक रास्ता है, वहां से आने नहीं देता। तो यहाँ पर इसे आधा से 1 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है फिर। और तो यहाँ सब पानी और भयंकर है, अभी तो कम ही है। ये यहाँ पर था पहले, यहाँ से चिन्ह है। तो ये देखो पानी तो है, और अभी से कोहरा आ चुके हैं, कुछ अच्छा से नहीं दिख रहा है उस साइड का। और है ना वो उस साइड का एरिया, इसी साइड का। और इस साइड सभी लोग आए हैं, फैमिली घूमने के लिए आए हैं। तो ये इस साल का फर्स्ट व्लॉग है, 2024 का ये फर्स्ट व्लॉग है। तो ये रहा एरिया, अगर ड्रोन होता तो और अच्छा मजा आ जाता ड्रोन से। और तो इस साइड सेल्फी ले रहे हैं सुधा, इस साइड बाकी लोग भी। तो मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो ये रहा इस साइड, जो भी कंट्रोल वगैरह है वो इसी जगह से होता है कंट्रोल। और सूर्य भी सीधा ऊपर मेरे ऊपर ही। तो उस साइड से गाइस गाड़ी भी आता है, जो कि अभी गया KTM। तो एक बार सिनेमैटिक शॉट देखिए। और इस साइड किल्लू का फोटो ले रहे हैं सुधा। और ये तो नीचे बहुत नीचे है, भयंकर नीचे। तो यहाँ पर सीढ़ी बनाए हैं ऊपर आने के लिए, जाने के लिए। बट बरसात के दिन में बहुत अच्छा दिखता हो यहाँ पर, हरियाली हरा भरा एकदम अच्छा हरा हरा, जो कि इस साइड घास वगैरह लगा है वो तो और अच्छा दिखता होगा। ये ड्रोन से और अच्छा दिखता है, ड्रोन शॉट से। तो मैं फर्स्ट बार देखा था किसी के वीडियो पर, तो देखा था तो अच्छा है। और कुछ कुछ जगह है देखने के लिए, घूमने के लिए, तो देखेंगे। और अभी और घूमे में, और नेक्स्ट व्लॉग और आएगा अच्छा अच्छा सा। तो आप लोग देखिए, तो जिन लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट भी कर देना। तो ये रहा कुछ उस साइड, वो रहा 3 जगह दिख रहा है उस साइड। वो बोर्ड के लिए है, जो कि आता है बोर्ड उस साइड घूमने के लिए। और वहाँ पर 3 लोग और दिख रहे हैं, छोटा छोटा सा। उस साइड शायद मछली वगैरह पकड़ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं तो पता नहीं। अगले बार आएंगे तो ड्रोन लेके आएंगे अगले बार। आप लोग सपोर्ट करना अच्छा से। तो यहाँ पर नीचे उतर चुके हैं मम्मी पापा, बड़े पापा, पापा और हम लोग। अभी 3 लोग हैं, खिल्लू, सुधा और मैं। तो अभी जाएंगे, बस आधा घंटे का समय था घूमने के लिए, फिर हो गया आधा घंटा हो चुका है। तो अभी अब नीचे उतर जाएंगे, फिर और दूसरे जगह जाना है कल, डेली आएगा व्लॉग अब। तो ये है 2024 का फर्स्ट व्लॉग। नीचे जा रहे हैं ऐसे, देखो सेल्फी ले रही। तो देखो उसका डिस्प्ले, पूरा स्क्रीन को देखो, डिस्प्ले को। धूप धूप आ रहा है ऊपर के साइड।
तो इस वाला एरिया जो कि मैं बोल रहा था, इस वाला एरिया जो कि है हरा, बोले तो बारिश के दिन में एकदम और अच्छा हरा भरा। अभी तो फिलहाल बारिश निकल चुका है तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। ये देख रहे हो घास, यही घास बारिश के दिन में इतना तगड़ा दिखेगा कि पूछो ही मत। और अभी तो फिलहाल ये ठंड का दिन आ चुका है तो उतना अच्छा मज़ा नहीं आ रहा है, बट हरियाली रहेगा तो और अच्छा खासा और दिखेगा। तो ये रहा, तो इस साइड पानी जा रहा है सीधा अंदर ही अंदर से। तो अभी हम जाते हैं और दूसरी जगह तो हो चुका है। ये रहा गाइस जो कि अंदर से आता है पानी, इस वाला बहकर और इस साइड सुधा, इस साइड खिल्लू, इस साइड बाकी फैमिली आ रहा है। और ये देखो पानी, अभी है पानी फिलहाल तो, और इस जगह और अच्छे से है ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पर सुधा मोबाइल को फेंकने वाला है, तो जो जिन लोगों को भी फोन चाहिए वो आ जाना यहाँ पर, इसके बाद बहुत सारा पैसा है ना तो फोन भी फेंक रहे हैं। तो ये देखो इसी जगह पर है, और ये पिकनिक पार्ट वगैरह भी, पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं बाकी। तो यहाँ पर पानी है तो इस जगह से पानी आता है। ये देखो इस जगह दो पॉइंट है उसी जगह से, अगर पूरा पानी आता तो और अच्छा होता एकदम अच्छा से, और यहाँ से ऊपर भी चढ़कर देख सकते हैं बाकी। तो उस साइड बह जाता है फिर वो वाला अच्छा दिख रहा है इस साइड। मम्मी तो ऊपर से देखते हैं ऊपर से इस साइड, तो ये गेट हो गया इससे कंट्रोल करने का। तो वो देखो कितना ऊपर है वहां से, तो ये रहा। ये देखो गाइस पानी ऐसे बह रहा है, फोन को अच्छा से पकड़ना पड़ेगा वरना फोन चला के दे गया उसके बाद। तो ये देखो उस जगह पर पानी वापस आ रहा है, उस जगह अच्छा दिख रहा है, और वो सामने जो कि पत्थर वगैरह है ना उस जगह पर। और तो बाकी तो ये था खरखरा बांध है, ठीक ही है ठीक ठाक। मेरे गांव से मेरे कॉलेज से कितना दूर है मुंगरा बैराज, वहां तक मैं अभी तक नहीं गया हूँ, बट जाऊंगा एग्जाम के बाद ही जाऊंगा। तो अभी इसी साइड को घूम रहा हूँ, फिर उस साइड का भी घूमेंगे, उस साइड का भी ब्लॉग आएगा। तो ये रहा इस साइड पानी, उस साइड का शायद गेट को कम खुला किया है इस कारण इस साइड कम आ रहा है। बाकी तो ये रहा इस साइड, फोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं तो मेरा भी एक दो फोटो क्लिक होगा। इंस्टाग्राम में जिन लोग फॉलो नहीं किए फॉलो कर लेना, वही पोस्ट होगा। गाइस अब दूसरी जगह जाएंगे तो फिर हम अभी घर जाएंगे। तो खसी आ रहा है हल्का हल्का सा। तो ये रहा एक बार और देख लो आप लोग लास्ट बार, ये रहा इस साइड, ये सामने की ओर से रास्ता से जाता है जो कि गाड़ी, बोले तो आप लोग ऊपर जा सकते हैं इसके ऊपर इस साइड से होकर। तो अभी बट इतना ही टाइम था, आधा घंटा का समय था, तो आधा घंटे में जितना हो सका उतना ब्लॉग बना लिया, तो बाकी थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और वो देखो उस साइड से वो रहा, शायद खेत गए थे या फिर पिकनिक वगैरह उसके लिए आ रहे हैं। लोहारा पर आ चुके हैं और वहां पर दिखा रहे हैं पाटेश्वर धाम में, आपका हार्दिक स्वागत है। ये देखो पाटेश्वर धाम भी इसी के आसपास ही आते हैं, और यहाँ पर फल लेने के रुके हैं, फ्रूट वगैरह लेंगे अभी। तो आ चुके हैं अभी ये संबलपुर और लोहारा एक ही में लगे हैं, तो समझ नहीं आता कि कौन सा संबलपुर है कौन सा लोहारा है। तो बाइक को कहीं खड़े कर देते हैं। ये रहा ये है लोहारा, इस साइड ले रहे हैं फ्रूट वगैरह, शायद बेल भी है उस साइड, अनानास केला वगैरह बाकी सब चीज है। और यहाँ पर आडिया का नेटवर्क भी अच्छा है, मैं सोच रहा कि नेटवर्क वगैरह है कि नहीं है, बैड नेटवर्क है बट नेट नहीं है मेरे पास आज, पूरा 3 GB खत्म वीडियो अपलोड करने के चक्कर पर। तो अभी फ्रूट वगैरह ले रहा है
तो तब तक से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि ब्लॉग को भी कुछ देखना पड़ता है ना, हल्का फुल्का 8 मिनट प्लस ही बनाता हूँ मैं ब्लॉग को।